नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीताराम डेरा के ह्यूम पाइप में लापता बेटी की जानकारी लेने गई मां पर युवक ने किया उस तरह से हमला, आरोपी फरार। कोरोना को लेकर JNIC के द्वारा अभियान चलाकर फुटपाथ को किया गया सैनिटाइज, लोगों को किया गया जागरूक। और कोरोना को लेकर सरकार ने धारा 144 की अवधि बढ़ाई, सरायकेला जिला प्रशासन ने की तैयारी। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले एक्सीडेंट की। आपको बता दें, खरसवा थाना अंतर्गत सीतामा कुडाई गांव के रहने वाले सोमा सरदार की 13 वर्षीय पुत्री नीलमणि सरदार मंगलवार की रात आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद तत्काल ही परिजन नीलमणि को लेकर स्थानीय सदर अस्पताल पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे बुधवार सुबह MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल किशोरी का इलाज MSGM के बर्न वार्ड में जारी है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में घायल के पिता सोमा सरदार ने बताया कि उनकी पुत्री रात में ढिबरी जलाकर घर में सोई थी। अचानक ही उसके बिस्तर में ढिबरी गिर जाने से उसके शरीर में आग लग गई। उसकी चीखने की आवाज सुनकर घर के सदस्य वहां पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने से उनके गाँव में बिजली नहीं है, जिस कारण उन्हें ढिबरी युग में जीवन जीना पड़ रहा है। नीलमणि सरदार उसका होगा 13 साल, 13 साल उसका है, नीलमणि का 13 साल। गांव का नाम सिद्धमा कुदर। थाना है? थाना खरसवा। कैसे, क्या हुआ है? अरे डिबरी लाइन नहीं है तो डिबरी जलाया था, तो रात को नहीं बुताया था, जल गया डिबरी में। कैसे, सोया हुआ था? सोया हुआ था। अच्छा, फिर हम बुता के फिर हम गया खरसवा से भी सदर लेके गया, फिर अभी उस सदर से यहाँ पर हमको भेज दिया। कितना दिन से लाइन नहीं है? हो गया एक महीना जैसे हो गया। कितना घर में लाइन नहीं होगा? वहाँ पर हम लोग का टोटल गांव में नहीं। फिर भी कितना घर होगा? 35-40 होगा। इधर सीताराम डेरा थाना अंतर्गत ह्यूम पाइप की रहने वाली भारती को कल्याण नगर में एक युवक ने उस्तूरा मार कर जख्मी कर दिया। घटना बुधवार दोपहर की है। महिला का इलाज MGM में जारी है। महिला के पति विनोद केवर्तन ने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिन पूर्व चौका में रहने वाले उसके साड़ू महेश केवर्तन के घर में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने गई थी। वहां बलरामपुर के एक युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर युवती को अपने साथ लेकर फरार हो गया। उस समय से अब तक युवती का पता नहीं चल पाया है। उन्हें जानकारी मिली कि जिस युवक ने लड़की को भगाया है उसकी बहन कल्याण नगर में रहती है। उसकी पत्नी भारती उनकी बेटी के संबंध में पूछताछ करने के लिए जैसे ही कल्याण नगर पहुंची, वैसे ही वहां पहले से मौजूद आरोपी युवक ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान उस तरह से वार कर आरोपी फरार हो गया। विनोद ने बताया कि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है, वे आरोपी को नहीं पहचानते। आज हुआ, मतलब उनका बेटी को खोजने गया तो उसको बोला कि मेरे लड़की को ला दो बोल के, और पूछने गया अस्तूरा से मार के। कौन मारा अस्तूरा से? मंगल भुया। कहाँ रहता है? बल्लमपुर रगमा। आपका बेटी कहाँ गया था? चांडिल चौका। कब हो गया? 4-5 दिन। कहाँ, किस ले गया था? शादी घर गया था। किसके यहाँ था? उसका मौसा का यहाँ था। क्या नाम है मौसा का? उसका मौसा का नाम तो महेश का बोलते। फिर बेटी कौन ले गया, कहाँ? वही लड़के सब ले गया, 4 जन था उसमें लड़का। अच्छा, तो हम तो नाम नहीं जानते, मेरे वो जानते हैं। फिर तो फिर आया अकेले मैं लड़की को कहाँ छुपा कर। अच्छा, फिर? और फिर कोई पता है कि ये लड़का घूम रहा बस्ती में। हाँ। तो फिर इसको पूछने लगा, मेरा बेटी को ला दो नहीं तो केस करेंगे। और केस करेगा क्या बोल के तब तक दिया उसको, मार दिया अस्तूरा से मारा था। कहाँ पर गया था आपका बीवी बात करने? कल्याण नगर शिव मंदिर। वहीं रहता लगा है। उधर बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 1B के रहने वाले ठाकुर शांडिल पेड़ काटने के दौरान ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। घायल का इलाज MGM में चल रहा है।
घटना के बाद घायल ठाकुर को उसके पिता सुरेंद्र कच्छप और अन्य परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में घायल के सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के संबंध में पिता सुरेंद्र ने बताया कि उनका पुत्र घर के पास लगे एक पेड़ को काट रहा था, अचानक के पेड़ की टहनी टूट गई और वह सीधे घर की छत पर आ गिरा। कच्ची छत होने के बाद उसे कम चोट आई। सुरेंद्र कच्छप कौन है? मेरा साला साहब। नाम? ठाकुर संडिल। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग टोबी। मेरा टोबी टोबी बिरसा नगर वन बी, मतलब टोबी। हम लोग घर तो यही है बिरसा नगर। हाँ जी। थाना आपका? बिरसा नगर। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ घटना? अरे गाछ काटे थे। गाछ काटा था? फिर कैसे गिरा, क्या चीज़ का गाछ था? वो कुर्सी गाछ था। पेड़ काट रहा था? हाँ। का घर का था ना बाहर का? नहीं घर ही का था। अच्छा फिर? अच्छा बच्चा लोग बोल लिया, मतलब खपरा घर है ना सर, हम लोग बोला थोड़ा हटा देते, मतलब पत्ता गिर रहा होगा, पानी ये हो जाता काटने में गिर गया। ना हिंसा हुआ क्या कर। वही मानगो क्षेत्र में कई दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए विशेष घेरा बनाया गया है। मेडिकल व राशन दुकानों के बाहर बनाए गए इस घेरे को पालन करने का निर्देश दिया गया है। दुकानों में पहुंचने वाले लोग भी इस दिशा निर्देश का पालन उचित ढंग से करते दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल दुकान के बाहर बनाए गए इस घेरे में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। इस संबंध में एक दुकानदार ने बताया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर दुकान के बाहर घेरा तैयार किया गया है। यहां पहुंचने वाले लोगों को इसी घेरे में रहने के लिए बता दिया गया है। वहीं मास्क नहीं लगाकर पहुंचने वाले ग्राहकों को दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रहे हैं। सभी को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। फेमस मेडिकल हॉल, और हम कस्टमरों को एक ही चीज़ यही बोल रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ लेके दुकान पे ना आए, अपने अपने जिसको ज़रूरत है वो कागज़ लेके आए और हमारे दुकान में दायरा बना हुआ है उसी दायरा में रह के वो दवा ले। और सब एक दूसरे से यही रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कस्टमर से कि सिंगल सिंगल लोग आए। कितने दूरी पर दायरा बना है? ये 2 फीट के दूरी पर बना हुआ है। और क्या कह रहे हैं मास्क? ये हम लोग के हैं जो जेन्युइन प्राइस में मास्क अवेलेबल किया गया है कस्टमर को, सैनिटाइज़र भी अवेलेबल किया गया है, और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग अवेलेबल करा पाएँ। दवाइयाँ भी बहुत मुश्किल से अरेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत से दवा भी बहुत सा नहीं आ पा रही है, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम कस्टमरों को कहीं से भी अरेंज करके दवाइयाँ हम लोग उसको अवेलेबल कर रहे हैं, चूँकि ये लाइफ से दुकान खोले हैं आप लोग। जी 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 जी। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आएं हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-77-07-07।
बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मानगो और आजाद नगर थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा माइकिंग के माध्यम से अनाउंसमेंट कर कोरोना को लेकर सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसके तहत पुलिस और मानगो नगर निगम के पदाधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को लागू किए गए धारा 144 की जानकारी दे रहे हैं। सभी को यह बताया जा रहा है कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इनमें पेट्रोल पंप, मेडिकल, राशन और सब्जी व फल की दुकानें शामिल हैं। जो लोग बेवजह सड़क पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। बेवजह निकलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की बात बताई जा रही है। मालूम हो कि सरकार ने धारा 144 की अवधि बढ़ाते हुए इसे 14 अप्रैल कर दिया है। वाहन को छोड़कर बाकी सभी दुकान और वाहन को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के आलोक में प्रशासन के द्वारा धारा 144 लागू है। उपरोक्त स्थिति में एक जगह से सिर्फ 5 आदमी निकल सकते हैं और सभी लोग अपने अपने घर में। और एक तरफ कोरोना वायरस जैसी बीमारी को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यवसायी खाद्य सामग्री को ऊंचे मूल्य पर बेच रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। सूचना मिलने पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जुगसलाई पहुंचकर जुगसलाई स्टेशन रोड में बने सुविधा केंद्र की जांच पड़ताल की। इस दौरान राजेश भंडार के मालिक की जमकर क्लास लगाई। वहीं प्रशासन के इस रवैये से नाराज होकर जुगसलाई स्थित व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुविधा केंद्र के संचालक व्यवसायी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा जो रेट तय किया गया है उसी रेट पर वे माल बेच रहे हैं। दुकान बंद होने की जानकारी मिलने पर परसुडी बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुविधा केंद्र संचालक से बात करने की कोशिश की। संचालक द्वारा नहीं मानने पर दूसरी जगह सुविधा केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया। सुविधा केंद्र दिया हुआ है, हम बेच रहे हैं 25 रुपए किलो चावल, 25 रुपए किलो आलू, 25 रुपए किलो प्याज, 30 रुपए किलो आटा और 65 रुपए से लेकर 90 रुपए तक रहड़ा, जैसा क्वालिटी वैसा दाम। हम दिन भर मंडी में थे, सब सामान जुगाड़ किए, टेम्पो वालों को डबल भाड़ा देकर के माल लेकर के आए हैं। और तो एडीएम साहब आए, बोला मेरे को गाली गलौज करने लगे और वो बोले कि आप पोस्टर नहीं लगाए हैं तो मेरे साथ जीप में बैठे, हमको जीप में बैठा दीजिए, टान के दुकान से निकाल लिए। तब हम दीपक भालूटिया जी को फोन लगाए, तब वो बात किए, तब हमको छोड़ा गया, कहते माफ कर दिया, हम दुकान नहीं खोल सकेंगे। नहीं, वो बोले आप रेट लिस्ट नहीं लगाए हैं, आप कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं आप। वास्तव में वो दर को लेकर के जो जांच टीम आई थी उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था और कहीं पे बहुत सारा शिकायतें आ रही थी कि ऊंचा दाम में बेचा जा रहा है और ये सही भी पाया गया है, लेकिन जो निगरानी टीम घूम रही है उसके वजह से जो है दरें जो है सुविधा केंद्र हमारा जो 29 जो खुला उसके अलावे जो दुकानें हैं उसमें आप निर्धारित दर में जो है मिल रहा है, कोई कालाबाजारी अभी नहीं हो रही है, कोई मुनाफाखोरी नहीं हो रही है। और एक जिला प्रशासन की ओर से टीम भी बना है जो सतत निगरानी की है। बाजार समिति में अभी भी पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है, आलू प्याज की कोई किल्लत नहीं है, चावल पर्याप्त मात्रा है, आटा भी जो है सप्लाई हो रहा है। हमारे आमजनों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप भय में आकर के जो है खाद्यान्नों का स्टॉक जरूरत से ज़्यादा ना करें। और कोरोना को लेकर सरकार द्वारा धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है। इस आदेश के बाद गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला सरायकेला जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। इसे लेकर उपायुक्त ए दोंडे की अध्यक्षता, दोनों अनुमंडल के SDO, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा MO के साथ जिला समाहरणालय में बैठक संपन्न हुई। इसमें उपायुक्त ने जिले के कुल 13,000 बिना राशन कार्ड वाले गरीब तथा बाहर के प्रदेशों में जिले में आने वाले दिहाड़ी मजदूरों को 10-10 किलो चावल हर हाल में पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बाबत निर्देश जारी करते हुए कहा कि हर हाल में 2-3 दिनों के भीतर सभी गरीबों को 10 किलो चावल मिल जाना चाहिए। उन्होंने सभी मुखिया को दिए गए आकस्मिक फंड की राशि से भी चावल खरीद लोगों से भूख मिटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने भूख से एक भी व्यक्ति की मौत होने पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। राज्य सरकार का निर्देश आलोक में हम लोग जो लोग जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, गरीब है, आज के दिन में क्योंकि लॉकडाउन के चलते वो नहीं कमा सकता है, डेली वेज लेबर से जिनके पास रेशन कार्ड भी नहीं है, उनके लिए हम लोग 10 KG चावल पर फैमिली देने के लिए सरकार से निर्देश आए हैं। उसी के संबंध में मैं सभी ऑफिसर्स को हम लोग दिशा निर्देश दिया है ताकि कोई भी भूख से ना मरे,
और हर पंचायत में हम लोग मुखिया के पास भी 10,000 फंड आकस्मिक फंड है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि यदि आप बाहर जाकर नहीं कमा रहे तो आप अपना अपना मुखिया से मिल लीजिए, हम लोग 10 KG चावल हर फैमिली को देंगे जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है और जो लोग अभी कमाने की स्थिति में नहीं है। सर ऐसे कितने लोग होंगे ऐसा कुछ? हमारा जिला में अभी करीब 13,000 परिवार का सूची है जो रेशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, जो जिनको रेशन कार्ड हम लोग नहीं दे पाए, और सभी 13,000 परिवार को हम लोग 10-10 KG चावल अभी तुरंत 3-4 दिन के अंदर हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। साथ ही कोरोना को लेकर घोषित लॉकडाउन को झारखंड के लोग काफी हल्के में ले रहे हैं। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, पूरा बाजार बंद है, लेकिन लोग इसे एक मौका समझकर सड़कों पर स्थिति का जायजा लेने निकल रहे हैं। इधर सरायकेला खारसवां जिला प्रशासन अब लोगों की लापरवाही के खिलाफ सख्ती बरतने में जुट गई है, जहाँ जिले के उपायुक्त और SP ने सड़कों पर घूम घूम कर इस खतरनाक वायरस से बचाव के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कड़े एक्शन लेने का फरमान भी जारी किया गया है। सरायकेला खारसवां जिला की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, जहां आवश्यक पदार्थों के आवागमन को छोड़ बाकी सभी प्रकार की गाड़ियों के प्रवेश पर जिले में रोक लगा दी गई है। वैसे जिले से होकर गुजरने वाली लाइफलाइन आदित्यपुर रांची सरायकेला चाईवासा मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि सब लोग अपना अपना जिला के अंदर रहिए, अपना अपना घर के अंदर रहिए। हम लोग जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस को नहीं फैलने के लिए। सभी से अपील करता हूं कि आप लोग सभी लोग मदद कीजिए, सब लोग घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सरायकेला नाजितपुर और जमशेदपुर जो है ट्विन टाउन है, बहुत लोगों का स्टेक्स जो है इधर और उधर है और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और ऊपर से जो है दुकान है, होटल्स है, वो सब है इधर से उधर। मान लीजिए आदितपुर का जनता जो है अब डोर डिलीवरी के लिए ऑर्डर भी करेंगे तो जमशेदपुर से ही जाता है, तो ये सब चुनौती है और इसको धीरे धीरे ओवरकम करने के लिए और कम्प्लीटली बॉर्डर को सील करने के ऊपर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि SPDC दोनों ही इधर है, SDO है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, आदित्यपुर का नंबर है, सब लोग जो है इसी में लगातार हम लोग प्रयास करते हैं और इसी के माध्यम से जनता से अपील भी करूँगा कि कृपया आप अपना जिला का बॉर्डर क्रॉस मत करिए और मैक्सिमम आप जो है अपना घर पे ही रहना सुनिश्चित करिए। और इसमें जो एग्जेम्प्टेड एजेंसी सर्विस मिला हुआ है उसको लेकर के ही जितना आवागमन हो रही है वो सारा उसी में हो रहा है। किसी को मेडिकल एड के लिए जाना पड़ रहा है, किसी को जो है सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ रहा है, प्रोविजंस खरीदने के लिए जाना पड़ रहा है और उसी चीज़ को आप लोग अभी फिर कर्टेल करने के लिए और उसका नया इधर वैश्विक संकट कोरोना को लेकर JNAC के द्वारा अभियान चलाकर अपने क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी के तहत साक्षी के दुकानों में बाहर और फुटपाथ के बाहर छिड़काव किया गया और एक तरफ कोरोना वायरस जैसी बीमारी को बुधवार को JNAC के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचे और क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इसी के तहत सड़क पर बेवजह घूमने वाले को फटकार लगाई गई। सभी को समय समय पर हाथ धोने और मास्क का प्रयोग के संबंध में बताया गया। विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने बताया कि सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ऐसे में सभी लोग अपने अपने घरों को भी सैनिटाइज करें। लोग यत्र तत्र घर से न निकले, सभी अपने बचाव का पूरा ख्याल रखें, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। वायरस को लेकर के पूरे देश भर में कहें कि पूरे दुनिया में जागरूकता अभियान चल रहा है, उसी को देखते हुए हम लोग जमशेदपुर में आज जो है लगातार फॉगिंग करवा रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं और आप देखेंगे कि अभी जितने भी फुटपाथ एरिया है साक्षी के उसको हम लोग जो है अपने से ब्लीचिंग पाउडर जो जर्म्स इधर उधर अगर होंगे तो उसको हम लोग उसको मिटा सके और कोरोना वायरस का जो खतरा है उससे लोगों को बचा सके, इसको लेकर के पूरे JNAC की टीम आज हम लोग दोपहर में सैनिटाइज कर रहे हैं विभिन्न चौक चौराहों को ताकि लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सके।
बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के कारण दोनों ने मौत को गले लगाया है। फिलहाल परिवार के लोग इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उधर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि आसपास के लोग इस घटना के बाद तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, वहीं पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा के ह्यूम पाइप में लापता बेटी की जानकारी लेने गई मां पर युवक ने किया उस तरह से हमला, आरोपी फरार। कोरोना को लेकर जेएनएससी के द्वारा अभियान चलाकर फुटपाथ को किया गया सैनिटाइज, लोगों को किया गया जागरूक। और कोरोना को लेकर सरकार ने धारा 144 की अवधि बढ़ाई, सरायकेला जिला प्रशासन ने की तैयारी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत।